जी सत श्रीकाल जी, दिस इज अंशुल माल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी बुलेट की सर्विस कराने। तो भाई अभी मेरी बुलेट हो गई है लगभग 2.5 साल पुरानी और ये चली है 3600 और इसकी अभी जितनी भी सर्विसेज अभी तक हुई है ना वो सारी हुई हैं रॉयल इनफील्ड में। तो जितनी फ्री सर्विसेज थी मतलब वहाँ पे लेबर फ्री रहती है, लेबर चार्जेस, बाकी कंज्यूमेबल्स के चार्जेस हमें जो है देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मेरी अराउंड होती थी 1300-1350 में, ठीक है। और अभी जो है मैं कराऊँगा इस बार बाहर, सोच रहा हूँ मतलब कंफर्म है कि बाहर करानी है लोकल मैकेनिक से, काफ़ी अच्छे मैकेनिक्स जो हमें मिल जाते हैं। तो क्योंकि इसका नॉर्मल एयर फिल्टर चेंज होना है, ऑयल फिल्टर और ऑयल इंजन ऑयल चेंज होना है, तो वो हम खरीदेंगे खुद, ठीक है, और फिर जाके चेंज कराएंगे लोकल मैकेनिक से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने का सामान आया, ठीक है, क्या क्या मैंने सामान डलवाया, कौन कौन सी कंपनी का, और कितनी उसकी कॉस्टिंग आई, और कितने जो है मैकेनिक ने लिए। टोटल सर्विस चार्ज मैं आपको बताऊंगा रॉयल एनफील्ड बुलेट का, स्टैंडर्ड है मेरे पास, ठीक है। भाई अभी चलते मैकेनिक के पास, इतने आप जो है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई अपना आपको इतना प्यार देने के लिए मतलब। और वॉच टाइम अभी थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा और वीडियो वॉच करो तो अपना चैनल जो है हो जाएगा मोनेटाइज, उसके बाद जो पैसा आएगा उससे करवाएंगे अपनी बुलेट में भी काम और अपनी गाड़ी में भी काम। ये खड़ी अपनी I20 और ये रही बुलेट, ठीक है। तो अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है सर्विस पे करा के फिर आपको बता दें कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि भाई आप देख सकते हैं अभी 3700 भी जो इसने कंप्लीट नहीं करे हैं, उसको 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो रनिंग बहुत कम है, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं होना, इसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एयर फिल्टर चेंज करा देंगे बस, और नॉर्मल चेकअप होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो लेबर कॉस्टिंग है 1300-1400 रुपये जो है रॉयल इनफील्ड में सिर्फ लेबर लेबर लग जाएगी, और बाहर जो है मुझे लगता है 1700-1800 में जो है सर्विस इसकी हो जाएगी ओवरऑल लेबर के साथ, और सारा सामान भी डल जाएगा, ठीक है। और कंपनी में जो है महंगी पड़ेगी सर्विस सेंटर पे, तो इस वजह से जो है मैं बाहर करा रहा हूँ। तो भाई अभी चलते हैं, इसके पहले इसको सामान खरीदते हैं, सामान मैं खुद खरीदूँगा, ठीक है, दिखाता हूँ कौन कौन सा सामान लूँगा और कितने का पड़ेगा। उसके बाद एंड में जो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग बताऊँगा, ठीक है, सर्विस कराने भी चलते हैं, उससे पहले सामान लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी बुलेट को लेके मैकेनिक के पास, ये रहा सामान अपना, मैं सामान जो खरीद के ले आया था, और यहाँ पे जो मैकेनिक की शॉप है इसमें जो हम जो है सर्विस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है विश्वास नगर की साइड पड़ जाएगी, शाहदरा दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। और ये भाई मैं मोट्यूल का जो है इंजन ऑयल लेके आया था, और ये हमारा एयर फिल्टर है, ठीक है, और ये मिंडा का है, और इसमें जो है ऑयल फिल्टर भी, ऑयल फिल्टर अपना 30 रुपये का था, ठीक है, और 675 का अपना वो था इंजन ऑयल, और 30-810 मतलब 800 रुपये का, 805 का बैटर टोटल, बाकी आप हिसाब लगा लेना 70 रुपये का शायद ये था अपना एयर फिल्टर। और ये अपने जो है अब स्पार्क वर्क वगैरह खुल रहा है, पहले क्लच साफ करा था उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, ऑयल डाल के, पेट्रोल डाल के और ऑयल डाल के जो है उसकी सफाई करते हैं, प्लग खुल रहा है, ठीक है भाई, प्लग की सफाई करते हैं इसमें सर्विस में, मतलब बढ़िया हो रही है यार उसकी तरीके से, देखो प्लग साफ हो रहा है आपके सामने, ठीक है। मैंने अपने सामने खड़ी हुई कराई है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, तो उसमें सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है, और कंपनी भाई इसी हिसाब से करते हैं, ठीक है, बस उनके पास यूनिफॉर्म होती है, और अपना इंजन ऑयल जो है सामने निकलवाया मैंने, सामने निकलवा के और सामने ही डलवाया, ठीक है, तो वो बहुत सही चीज़ रहती है। अभी जो अपनी सर्विस हो चुकी है और इन्होंने जो है अभी बुलेट स्टार्ट करके इसमें जो है अभी स्टार्ट करके और गियर डाल के उसके बाद जो है इसमें मतलब ऑयलिंग करी जाएगी, चैन में लुब्रिकेशन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ के ना 250-300 रुपये लेते हैं रॉयल एनफील्ड, और यहाँ पे इसी सब में जो ये अपनी कॉस्ट लेंगे लेबर चार्ज उसी में सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी मेरे से 300-350 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए थे इस काम के। और अभी जो अपनी बुलेट वॉशिंग पे लग चुका है, ठीक है, अपना बुलेट इस टाइम वॉश हो रहा है, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिश मारेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनल अमाउंट बताता हूँ क्या सामान कितने का आया, ठीक है, और टोटल कॉस्टिंग कितनी आई बुलेट की सर्विस की मैं आपको बताता हूँ अगर आप बाहर से कराते हो तो, ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, ठीक है भाई। तो भाई अपनी बुलेट की जो है सर्विस हो चुकी है, ठीक है, चमका दी उन्होंने अच्छे से, लेकिन अभी जो है मैं वीडियो उस टाइम शूट नहीं कर पाया, अभी 2-3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था, ठीक है, तो अच्छे से चमकाए थे, पर अभी थोड़ी मैंने चला दिया, बारिश वगैरह भी पड़ गई थी, थोड़ी गंदी हो गई लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इतनी गंदी भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको सामान का तो मैंने कॉस्टिंग बताई थी, देखो 800 रुपये का सामान आया था अपनी बुलेट का, ठीक है, 24 में इंजन ऑयल डला था, एयर फिल्टर और इंजन एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल, ठीक है,
इंजन ऑयल मोटिल का जैसा कि आपने देखा, और बाकी दोनों सामान जो है मिंडा के थे, ठीक है। और 550 रुपये भाई मैकेनिक ने लिए, तो टोटल कोच भाई 1350 रुपये ही बुलेट की सर्विस की। और जबकि बाहर ना भाई काफ़ी महंगा बैठ जाता है, और मतलब रॉयल इनफील्ड में काफ़ी कॉस्टिंग बैठ जाती है। रॉयल इनफील्ड में यही सर्विस जो है 2500 की होती है लगभग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे 1300-1350 रुपये तो लेबर ही है, उस पर टैक्स लगाते हैं, फिर जितने भी आप पार्ट्स लेते हैं उन पर भी चार्जेस लगता है। तो मेरी फ्री सर्विस 1350 की होती थी, और 1350 और लेबर तो अराउंड 2700 का खर्चा बैठता, प्लस टैक्स भी पड़ता, तो वही लगभग आपकी 2500 से 3000 के बीच में जो आपकी सर्विस पड़ती बुलेट की। और यहाँ पे तो भाई 1350 में पड़ गई है, और उन्होंने भी जो है पूरा चेकअप करा है, ठीक है, सारा कुछ, ये क्लच वायर वगैरह साफ करी है, ऑयलिंग करके दिए ग्रीसिंग पीछे चैन में ऑयलिंग करके, ठीक है, और सारे प्लग वगैरह साफ करके सारा कुछ मतलब चेक करा, ब्रेक शू वगैरह, ठीक है, सब कुछ साफ करके उन्होंने बढ़िया से चेक करके दिया है, जैसे कि कंपनी में होता है, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी डील है मेरे ऐसे यूज़र्स के लिए जिनकी बहुत कम चलती है, अभी भी जो है 3761 चली है, ठीक है, क्योंकि मैं भाई बहुत कम चलाता हूँ इसलिए मैंने बाहर कराई, और जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है भाई वो सर्विस कंपनी में करा सकते हैं, ठीक है, बाकी जिन्होंने शौक के लिए वो करा सकते हैं बाहर। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना भाई, और भी वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।